हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडोवेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किचन के कुछ टिप्स। सब घरों में पीतल के और तांबे के बर्तन होते हैं और वो हमारे जल्दी ही काले पड़ जाते हैं। जैसे भगवान जी का ये लोटा है, हम इसको कैसे साफ रखें, या फिर ये पानी का जग, गिलास, पीतल का लोटा, पीतल का दिया, ये सब हमारे ऐसे काले हो जाते हैं। ये विम टिक्की से भी और सब से भी ऐसे साफ नहीं होते हैं। तो मैं इसको आप साफ करने का एक तरीका बता रही हूँ, और ये साफ करने के बाद बर्तन 15-20 दिन तक भी काले नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने इमली ली है। इमली को मैंने भिगो दिया है पानी में करीब 2-3 घंटे। तो अब हम इसको इन बर्तनों पर लगाएंगे। हाथ से ऐसे ही लगा देने हैं, इसका जो गूदा है वो सारे में लगा दें आप। अंदर बाहर सब जगह। ये ऐसे करके इसको लग रख दें आप। ये तांबे का गिलास है, इन सब बर्तनों पर ऐसे ही इमली का पल्प लगा दें और इसको करीब 5 मिनट तक छोड़ दें। अब 5 मिनट के बाद अब हम इसको सर्फ से साफ करेंगे। फिर इसे साफ पानी से आप धो लें अच्छे से। ये देखिए, ये तांबे का बर्तन ऐसा हो जाएगा। अब पीतल का बर्तन भी ऐसा ही चमक जाएगा। पीतल का दिया भी हमारा चमक गया है। अब इनको सबको साफ करने के बाद इसके साथ एक प्रोसीजर ये अपनाना है कि आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और इसे आपको अच्छे से पोंछना है। इसको अपने आप नहीं सूखने देना है। एक सूती कपड़ा लेकर आप बर्तन को अच्छे से पोंछ दें। ये देखिए, ये तांबे का लोटा कितना साफ हो गया है, बिल्कुल चमक गया है, जैसे कि अभी नया आया है। ऐसे ही करके हमने सारे बर्तन साफ कर लिए हैं। ऐसे ही पीतल के हो गए हैं साफ बिल्कुल। बस आप इसमें ये ध्यान रखें कि इनको धोने के बाद, साफ करने के बाद, इनको सूखे कपड़े से जरूर पोंछें, और कपड़ा भी सूती होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।